अपनी नजर से गिर गया। एक सुंदर कहानी। मेरे बारे में ये मशहूर था कि मैं कार चलाता नहीं बल्कि हवाई जहाज की तरह उड़ाता था। पहले 10-15 सेकंड में ही मेरी कार 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती थी। मेरा स्वभाव बहुत ही ठंडा था, लेकिन अगर कभी मेरी कार पर कोई हल्का सा दाग या लकीर दिख जाती थी तो मैं गुस्से से आग बबूला हो जाता था। जुलाई की एक हुमस भरी शाम थी, गर्मी बहुत थी, इसलिए मैंने गाड़ी खड़ी करके फुल स्पीड पर एयर कंडीशनर चला रखा था। मैं कार के अंदर बैठा ठंडी आइसक्रीम का मजा ले रहा था। मेरी कार के शीशे काले थे, इसलिए बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। अचानक ही कार थोड़ी सी हिली, देखा तो पाया कि एक करीब 20 साल का लड़का मेरी कार के पीछे की डिक्की पर कमर टिकाकर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। उसने मेरी कार को दीवार समझकर पिछवाड़ा टिकाकर सहारा लिया हुआ था। मुझे अचानक ही अपनी आइसक्रीम कड़वी लगने लगी, ठंडी हवा भी मुझे अब आग की लपटों से ही लगने लगी। मैंने सोचा कि वो नई पीढ़ी का जवान वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रॉब मार रहा होगा कि उसके पीछे खड़ी कार उसकी थी। मैंने तुरंत ही गुस्से में गाड़ी गियर में डाली और फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाकर ब्रेक लगाई और शीशे में से पीछे देखा, वो बेचारा लड़का जमीन पर गिरा पड़ा था क्योंकि अचानक ही उसकी पीठ के पीछे से कार निकल गई थी। वो मेरी कार की तरफ देखकर शायद कुछ कहना चाह रहा था। उसके चारों तरफ सड़क पर बहुत से कागज बिखरे पड़े थे, जिस बात ने मुझे अचानक ही बहुत दुखी कर दिया। वो था उसका उठने का प्रयास। उस बेचारे की एक ही टांग थी और वो इसलिए जमीन से उठ नहीं पा रहा था। उसको हमेशा सहारा देने वाली बैसाखी भी उससे छिटक कर दूर गिरी पड़ी थी। मुझे अपनी गलती का एहसास होते ही मैंने गाड़ी तुरंत ही वापस मोड़ ली और उसके पास लाकर खड़ी कर। मैंने जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर उस लड़के से कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी। तुझे कहाँ जाना है? हाँ, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। अभी मैं उसको और भी बहुत कुछ कहना चाहता था अपनी सफाई में, पर वो बीच में ही मुझे रोक कर बोला, अंकल जी कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मुझे तो आदत है रोज रोज गिर कर उठने की। माँ अभी अभी वो सामने के शॉपिंग मॉल के अंदर जाने से पहले मुझे ये सिखा गई थी कि बेटा जिंदगी में जब कभी भी तू गिरे तो उठने के लिए किसी का सहारा या मदद मत लेना, बस मुझे याद कर लेना। अभी कुछ देर पहले ही माँ मुझे अपने पैरों पर खड़ा करके गई है। इतना कहकर वो मुझे मेरी ही नजरों में गिराकर बैसाखी के सहारे सड़क पार करके दूसरी तरफ चल दिया। मैं जब कार में वापस आकर बैठा तो कार को हवाई जहाज बना देने वाले से पहला गियर ही नहीं लग रहा था। मेरी आंखें नम हो गई थी। बस उस दिन के बाद से ही मैंने कभी भी कार तेज गति से नहीं चलाई और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं गई। उस दिन के बाद मेरा गुस्सा तो न जाने कहाँ गायब हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।